सारसो सीट क्यों चाहिए? चलो सारसो नहीं चाहिए, 399 हो जाए तो 399 में वो लोग खुश रहते हैं, लेकिन जब सारसो सीट बोलते हैं ना, वो लोग का दिमाग गर्म हो जाते हैं। भाई और बहनों, मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं कि 399 में तुम्हारा नाराजी नहीं है तो 400 में तुम्हारा नाराजी क्यों है, ये मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं। भाई और बहनों, हमें 400 सीट क्यों चाहिए? इसका कुछ कारण भी होगा। मंगल भाई ने आप लोगों को बताया, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कांग्रेस का एक शख्स है जो महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने बोला, नाना पटोले है उनका नाम, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा, भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है? मैं बोला पहले बताओ सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें, हमें ये पहले बताओ। अगर सोनिया गांधी हिंदू है तो अलग होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है। लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते है ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। भाई और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि रामलला का मंदिर जैसे हमने भव्य मंदिर बनाया उसी ऐसे ही भव्य रूप में रहना चाहिए, हजारों साल रहना चाहिए। जब तक चंद्र और सूर्य रहेगा तब तक हमारा रामलला अयोध्या में रहना चाहिए। भाई और बहनों, लेकिन आप लोगों को जरूर ये जानकारी है, हमारा हिंदू का 3 मंदिरों पर बाबर और औरंगजेब ने आक्रमण चलाया था। ऐसे तो मुगल हो मुसलमान जो लोग राजा थे, वो लोग तो देश का जितना भी मंदिर है सब तोड़ने का कोशिश किया था। असम में भी गया था, माँ कामाख्या का मंदिर भी तोड़ा था, लेकिन वो अलग बात है, हमने इसको पुनर्निर्माण कर लिया। लेकिन हमारा देश में पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर का जगह में बाबरी मस्जिद बना। दूसरा, जब औरंगजेब आया उन्होंने हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनवाया, और काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर का सामने ज्ञानवापी मंदिर था, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। भाई और बहनों, अभी तक हिंदू ने हमें रामलला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, इसलिए मोदी जी को आप लोगों ने 300 सीट दिया था। भाई और बहनों, आप हमें इस बार 400 सीट दीजिए, हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाऊंगा और काशी में भी ज्ञानवापी मंदिर दोबारा हम लोग बनाएगा।